तो जय हिंद बोल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज फाइनली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है AOC टीममेट एंड फायरमैन के रिगार्डिंग। आपको पता है दोस्तों, कल से फिजिकल टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं AOC में। और गाइज बहुत सारा कमेंट था आप सबका कि सर प्लीज़ बता दीजिएगा कि सर कितने का बैच बन रहा है, सर कितने कैंडिडेट्स को पास किया जा रहा है, सर मैं फिजिकली अनफिट हूँ या फिर फिट हूँ, सर प्लीज़ बता दीजिए। और गाइज बहुत सारा कमेंट है, क्या सर मैं वजन खुद से उठाना है, बहुत सारा कमेंट था आप सबका। गाइज आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वजन आपको खुद से उठाना है, लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है भाई, बस एक छोटी सी हवा मतलब ऊपर उड़ जाए, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर। लेकिन भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है, मुझे पता है AOC में क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोसेस चलता है आपका। सो प्लीज आप वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, आप बाकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो गाइज आपको जाना कहाँ पे है ये भी बहुत सारा कमेंट है। तो भाई मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, प्लीज वीडियो में पूरा बना रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करना है आपको, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो गाइज बात करें सबसे पहले हम आपकी वैकेंसीज के बारे में। आपको पता है AOC की भर्ती आपकी आई हुई है, अभी आपके फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं कल से। 1249 पोस्ट आपकी टीममेट की है, 544 पोस्ट आपकी फायरमैन की है। कल जो फिजिकल टेस्ट हुआ था वो फायरमैन का हुआ था, गर्ल्स बॉयज दोनों का हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको जो रेस क्वालिफाइड करनी थी 1600 मीटर रेस क्वालिफाइड करनी थी फायरमैन में, टीममेट में आपको 1500 मीटर रेस क्वालिफाइड करनी है। बात करें दोस्तों टाइम के लिए, आपको बता दूं मैं, टाइम आपको पूरा 6 मिनट का मिल रहा है 1500 मीटर रेस क्वालिफाइड करने के लिए टीममेट में, और गर्ल्स को 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी गाइस बात करें, कल फिजिकल आपका फायरमैन का था, अभी टीममेट के भी होंगे, गर्ल्स बॉयज दोनों के साथ में ही हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गाइस बात करूं मैं आपके वजन के बारे में, 50 kg वजन है जो आपको दौड़ के चलना है 200 मीटर तक टीममेट में। आपको टाइम दिया जा रहा है 100 सेकंड का बॉयज को। बात करें गर्ल्स के लिए, आपका भी वजन इतना ही है, आपको भी 50 kg वजन ही उठाना है, बोरी कट्टा जो भी होगा आपको वो उठा के 200 मीटर तक चलना है। बात करूं गर्ल्स में, मैं आपको इसमें 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। देखिए आप 3 मिनट को मत देखिए, आप 3 मिनट 45 सेकंड को मत देखिए, आप देखिए आपको 225 सेकंड्स मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास जहाँ तक मैंने बात की है कैंडिडेट्स से, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सिर्फ इसी में रह रहे हैं, उनसे बोरी नहीं उठ पा रही है 50 kg की। सोच रहे हैं कि सर वो 60 kg है, 60 kg नहीं है मेरे भाई, वो 50 kg है, आप उठा नहीं पा रहे हो वो अलग बात है, ठीक है। तो भाई आपको मेहनत करनी है, जिनका फिजिकल 18 तारीख को है, 27 को है, अप्रैल को है, तो भाई आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको वजन उठाने की तैयारी जरूर करनी है। आप वजन को ऐसे उठाओ, कंधे पे रखो, कैसी पे रखो, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब वो विसल बजा रहे हैं तुरंत आपका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि आप पहले उठा लो, हाँ सर मैं रेडी हूँ और प्लीज़ आप पे विसल बजा दीजिए, वो काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई ये प्रोसेस आपका इसमें हो रहा है, ठीक है। और गाइस बात करें हम रेस के लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, टाइम पूरा मिल रहा है, टाइम आपको पूरा मिल रहा है, टाइम कम नहीं मिल रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और काफ़ी सारा फिजिकल कल कैंडिडेट्स का था। बात करें बैच के बारे में, आपका 50 का बैच बन रहा है, 40 का बन रहा है, 30 का बन रहा है, और 20 का भी बन रहा है कई कई यूनिट्स में। तो 50 से ज़्यादा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी है तो आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड कर पाओगे। जो कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाइड कर देते हैं, मतलब रेस क्वालिफाइड कर देते हैं, आपके सभी इवेंट्स को करवाया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है आपकी क्लाइंबिंग है, रस्सा चढ़ना है आपको इसमें, आपकी हाइट है, चेस्ट है, वेट है आपका फायरमैन में। लेकिन टीममेट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट कुछ नहीं है, आपकी ओनली रेस है और आपको वजन उठा के दौड़ना है बॉयज एंड गर्ल्स को। गाइस देखिए, वैसे मुझे हिंदी में बात करना आता है, सो मैं उम्मीद करूँगा आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे भाई बंधु अब की बार AOC में भर्ती होना चाहते हैं, AOC में आना चाहते हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके भाई का है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है AOC के रिगार्डिंग, और मैं अभी आपकी तैयारी भी करवाने वाला हूँ अर्मेंटेनेंस कोर की एग्जाम की, ठीक है। आपको पता है दोस्तों एग्जाम आपका कितने नंबर का है, यहाँ पे 150 मार्क्स का है, यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है। तो नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है आपको, पेपर का पैटर्न देखना है आपको, पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, इजी वे में आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं उसके रिगार्डिंग बाद में बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर हमें जाना कहाँ पे है, ठीक है, जाना कहाँ पे है। देखिए गाइस बात करूँ मैं, यहाँ पे आपके सबसे पहले पुणे,
पुणे देहू रोड है आपका, जहाँ पे आपकी लोकेशन यूनिट है आपकी, तेलगांव है, पुलगांव वारदा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र में है आपको पता भी होगा, बठिंडा आपका पंजाब में है, पठानकोट आपका पंजाब में है, बुधवाल भी आपकी एक एडमिट कार्ड पे मतलब लिखा होगा, हमने लोकेशन चेक की होगी, और उची बसी आपका पंजाब में है, सुरंसी पंजाब में है आपका, जलंधर में है, दप्पर आपका पंजाब में है, ये सब आपके ग्लोबल स्टेशन है, उनके आस पास में यूनिट होगी, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। जब तक धक्के नहीं खाओगे नौकरी कोई मजा नहीं है, जब धक्के खाओगे ढूंढोगे तब मजा है, ठीक है। मैंने भी यार आपके तरह ही धक्के खाए हैं लाइफ में, इसलिए बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है। जिंद्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, जबलपुर आपका एमपी में है, ध्यान दीजिएगा। और गाइस बात करें हम आपकी बनार के बारे में, बनार आपका जोधपुर में है, और कनासर आपका राजस्थान में है, लालगढ़ रतन आपका गंगानगर में है, और भरतपुर आपका राजस्थान में है, अवधि आपका चेन्नई में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगरा आपका यूपी में, पता होगा आगरा सीओडी है आपका, कानपुर आपका कानपुर सीओडी है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब में मतलब वेस्ट बंगाल में आपका बेंगडूबी है, जिसको हम सिलीगुड़ी यूनिट भी बोल देते हैं, आपके एडमिट कार्ड में यूनिट का नाम दिया गया होगा। तो भाई ये सब लोकेशंस हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आपको आए, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, और टेलीग्राम का चैनल है अपना, तो प्लीज़ आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, एक्सपर्ट नॉलेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, सो प्लीज़ आप सब लोग ज्वाइन करें। और ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे दिल से मेहनत कर, जिसने भी दिल से मेहनत की है, वो कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाइड कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सर ऐसे ही हो जाएगा फिजिकल, ऐसे नहीं हो रहा भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी भर्तियाँ बार बार नहीं आती हैं, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यार, जिसने वजन उठा दिया उसका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड हो गया है, ठीक है। मैं क्या बताऊँगा आपको, मैं भी आपकी एज का हूँ, मेरी एज कोई 59 ईयर्स नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ यार मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको फोकस करके वजन को उठाना है और दौड़ के चलना है। गर्ल्स को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, बॉयज़ को थोड़ा कम मिल रहा है बॉयज़ को, लेकिन आपके लिए टाइम बहुत प्रॉपर तरीके से फिक्स है। लेकिन जिस जो कैंडिडेट्स वजन उठा पा रहे हैं, उठा रहे हैं, उनका फिजिकल क्वालिफाइड हो रहा है, डरना नहीं है यार, ठीक है। वो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो वजन उठाएंगे और क्वालिफाइड होंगे, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड करके रिटर्न पेपर पास करेंगे, मेडिकल क्वालिफाइड होंगे और डीवी करवाएंगे और ज्वाइनिंग भी लेंगे, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको उन्हीं में से होना है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वालिफाइड जरूर करना है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका एक भी फिजिकल कैंडिडेट्स का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम की टेंशन आप सब ना लें, उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो भाई आपको पढ़ते रहना है, खाते पीते रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ डाउट बचे आपका, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। टाइम आपको पूरा मिल रहा है, 1500 मीटर रेस आपकी हो रही है टीममेट में, 1600 मीटर आपकी हो रही है रेस फायरमैन में, 6 मिनट का टाइम पूरा दिया जा रहा है, गर्ल्स को 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और वजन आप सबको उठाना है 50 केजी क्या टीममेट में, और 63.5 केजी उठाना है फायरमैन में। तो ये सब प्रोसेस आपका चल रहा है दोस्तों, फिर भी कुछ डाउट बचे प्लीज मुझे बताइएगा। और ओएस कैटेगरी का फिजिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, जो कैंडिडेट्स हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, ठीक है, यहाँ से कटा हुआ है, मतलब यहाँ से हाथ नहीं है उनका, ठीक है, उन सबका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो उन सबका फिजिकल नहीं हो रहा है। लेकिन जो बंदे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिजिकली फिट हैं, उनका फिजिकल टेस्ट करवा रहे हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।